अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। ये मेरे फादर का चैनल है, जैसा कि आप सब व्यूअर्स को देखने वालों को पता है, अंसार अब्बासी का ये चैनल है ए व्यूज। तो आज मैं आप लोगों से इसलिए बात कर रहा हूँ, उन्हीं का आप लोगों को मैसेज एक देना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है या शायद नहीं पता, कल उन्होंने अपने ट्वीट के थ्रू भी आप लोगों से शेयर किया था कि ही हैज बीन डायग्नोज विद कोविड-19। उन्होंने कल ही अपना टेस्ट कराया था। तो एक्चुअली हुआ ये कि 2-3 दिन पहले उनको स्लाइटली सा गला उनका खराब था और हल्का सा उनको जुकाम भी था, तो उन्होंने सोचा वो अपना कोविड का टेस्ट कराएं। तो कल ही उन्होंने एनआईएच से अपना टेस्ट कराया, जिसके बाद उनका ये पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो कल जो सूरत हाल थी, उनको हल्का सा फीवर भी था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ही इज फाइन, उनको फीवर नहीं है, लेकिन हल्का सा उनका गला अभी भी खराब है और जुकाम है। तो वो कंप्लीट आइसोलेशन में हैं, क्वारंटीन हुए हुए, अपना ख्याल रख रहे हैं। तो आप सबसे भी यही दरख्वास्त है, ये उन्हीं का मैसेज है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। आप लोगों से भी वो यही दरख्वास्त करते हैं कि आप अपना ख्याल रखें और इस वबा से अल्लाह ताला सबको बचाए। तो बाकी आप लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि आप लोग भी उनके लिए दुआ करें ताकि वो जल्द सेहतियाब हों, और वो जिस तरह आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं अपना रोज का और आप लोगों से चीजें शेयर करते हैं वो कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू डेज में 2-3 या 4 दिन जिस तरह भी उनको टाइम लगता है अपना रिकवरी का, इंशाल्लाह जैसे ही वो रिकवर करते हैं तो वो इंशाल्लाह फिर से आप लोगों से बात करना शुरू हो जाएंगे। तब तक मीनवाइल वो रेस्ट कर रहे हैं और उनको रेस्ट करना भी चाहिए। तो बाकी अल्लाह ताला इस वबा से सबको बचाए, सबको महफूज रखे, जिनको हुआ है उनको भी सेहतियाब करे, जिनको नहीं हुआ उनको बचा कर रखे। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।